स्टूडेंट्स, नाउ आज का टॉपिक है पर्क्स, या जिन्हें आप कहते हैं परक्विजिट्स। इससे पहले आपने अलाउंस पढ़ा। अलाउंस मींस कि जो एम्प्लॉय पकड़ता है कैश में। अब जो पर्क्स होते हैं ना, ये फैसिलिटी होती है, ये इन्हें दी जाती है एज अ काइंड। जैसे आप देखते हो आपके जो कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, उसे वो गाड़ी होती है, वो गाड़ी होती है कॉलेज की, और वो गाड़ी जो उसे देते हैं ना, वो भी एक सैलरी है। मैंने कहा था ना कि अगर आप इफ यू रिसीव अ सिंगल ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट्स कंसिडर्ड एज अ सैलरी। ठीक, तो यहाँ पे जो पर्क्स है, इट्स ऑल अबाउट द फैसिलिटीज। किसी को हम गाड़ी देते हैं ऑफिस यूज के लिए, किसी को मकान भी देते हैं। इससे पहले आपने एचआरए पढ़ा, वो था हाउस एंड अलाउंस, उसके लिए आप पैसा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या देते हैं इन्हें, यहाँ पे इन्हें देते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। उन्हें कहा जाता है कि ये हमारा मकान है, आप इसमें रह सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड पर्क्स। ठीक है, या किसी एम्प्लॉय को हम देते हैं फ्री लैपटॉप कि आप इस पे काम करो ऑफिस का, फ्री लैपटॉप। ठीक है, अब लैपटॉप के लिए पैसा नहीं देते हैं हम, इसे लैपटॉप देते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड पर्क्स। अब यहाँ का रूल क्या है, ये जो पर्क्स या परक्विजिट्स है, यहाँ पे तीन रूल्स है। सबसे पहला, पर्क्स एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज के लिए ये एग्जेम्प्ट है। मतलब तीन रूल्स है, जैसे अलाउंस में था एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज पर्क्स एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज। दूसरा है पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, दो टर्म, पहले एग्जेम्प्टेड, दूसरा क्या आया, टैक्सेबल। अब जो तीसरा है, पर्क्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। यहाँ पे एक टर्म आ गई जिसे आप कहते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो तीन चीजों का ख्याल रखना है यहाँ पे, सबसे पहले एग्जेम्प्टेड पर्क्स, टैक्सेबल पर्क्स, एंड द थर्ड वन इज वो पर्क्स जो टैक्सेबल है किसके लिए बेटा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। पहले हम रूल्स पढ़ाएंगे, फिर मैं एंड पे आपको इसका क्रक्स देता हूं कि आप ये लर्न कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीन रूल्स है, पहला है एग्जेम्प्टेड। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एग्जेम्प्टेड पर्क्स, एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज, वो फैसिलिटी जो कि एग्जेम्प्ट है, जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता। ओके, सबसे पहला मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, मैंने मेडिकल अलाउंस नहीं कहा, मेडिकल अलाउंस इज टैक्सेबल। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ या बीमार हुआ, हमने कहा उसे कि इस हॉस्पिटल में जाइए आप, हम पैसा खुद भरेंगे, उसके हाथ में नहीं देते, हॉस्पिटल की बिल देते हैं हम, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी। या ये इस लैंग्वेज में होगा, रिइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, प्रोवाइड बाई द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एंड इट्स डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट में इसका वो, ये जो वाइफ है, ठीक है, खुद की वाइफ और इसका चिल्ड्रन। ठीक, अब मेडिकल फैसिलिटी है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या है, मैंने कहा आपको, सॉरी, मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या है कि ये बीमार हुआ और ये हॉस्पिटल में गया, और हॉस्पिटल का खर्चा किसने दिया, एम्प्लॉयर ने। ठीक है, तो उसे कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी, या इस लैंग्वेज में होगा रिइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, जो इसके मेडिकल एक्सपेंस के खर्चे हुए वो किसने दिए, एम्प्लॉयर ने। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, सबसे पहला, इफ ट्रीटमेंट इज गिवन इन द हॉस्पिटल ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है। जैसे कि यहाँ पे हम खैबर की बात करते हैं, यहाँ पे खैबर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और इस खैबर का अपना हॉस्पिटल है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हुआ और उसका इलाज इसी खैबर हॉस्पिटल में हो गया, क्योंकि इसका अपना है। ठीक, इफ ट्रीटमेंट इज गिवन इन द हॉस्पिटल ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ ये काम करता है उसी के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया गया, तो इट इज एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर, इफ ट्रीटमेंट इज गिवन इन द हॉस्पिटल ऑफ एम्प्लॉयर, बेटा एग्जेम्प्ट।
इफ ट्रीटमेंट इज गिवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट. अब इफ ट्रीटमेंट इज गिवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल इट इज टैक्सेबल. ठीक. इफ ट्रीटमेंट इज अवेल्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरिन में इसका हो गया, ठीक है, तो याद रखिए अगर इसका ट्रीटमेंट दिया फॉरिन हॉस्पिटल में, ठीक, तो एग्जेम्प्ट कितना है, अमाउंट सैंक्शनड बाय आरबीआई. सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, लेट इट बी कि इसके फॉरेन हॉस्पिटल में इसका खर्चा हो गया 80,000. खर्चा कितना हो गया 80,000, जो कि एम्प्लॉयर ने दे दिया. अब आरबीआई ने कहा कि नहीं आप लीजिए 65,000 मानिए आप, एंड दो 65,000 एग्जेम्प्ट और 15,000 रुपए होगा टैक्सेबल. ये क्वेश्चन में दिया है, बहुत इजी है. अब मेडिकल फैसिलिटी समझिए, अगर ट्रीटमेंट दिया एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जेम्प्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल में टैक्सेबल. इज इट क्लियर? हाँ, अगर ट्रीटमेंट दिया गया कहाँ पे, फॉरेन हॉस्पिटल में, ठीक, जो कि कंट्री से बाहर है, तो जितना आरबीआई अमाउंट कहेगा, जितना आरबीआई कहेगा उतना ही एग्जेम्प्ट है. यहाँ तक ठीक? ओके, दिस वाज फर्स्ट. रूल्स याद रखना, एक दो बार आप रिवाइज करना, अच्छे से हो जाएगा. नाउ सेकेंड वन, Perquisites provided by the employer to the employee like facility कौन कौन, जैसे facility सबसे पहले free refreshment during working hours. हमने lunch नहीं कहा, हमने कहा free refreshment during working hours. जब ये काम करते हैं तो हम उन्हें कुछ refreshment देते हैं और वो refreshment exempt है. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं ना, exempted perquisites. ठीक, तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत बार दिया गया होगा, फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट. फ्री रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मतलब क्या, ऑफिस में इन्हें स्नूकर है खेलने के लिए या गेम्स है खेलने के लिए, रिक्रिएशन फैसिलिटीज वो भी एग्जेम्प्ट है. ठीक है, साथ साथ आप ये लर्न भी करेंगे, फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट है, फ्री रिक्रिएशन एग्जेम्प्ट है, फ्री टेलीफोन और मोबाइल फैसिलिटी फॉर ऑफिस यूज एग्जेम्प्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड वाइस वर्सा. इन एम्प्लॉई को गाड़ी होती है, मतलब जो इसे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस लेते हैं, बात समझना माय डियर, तो दैट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट. रिफ्रेशर कोर्स और ट्रेन्ड कोर्स, अब जो ये एम्प्लॉई होते हैं ना, अब इन एम्प्लॉई को क्या मतलब कहते हैं ना, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ. ठीक, उस अपडेट के लिए इन्हें हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ, उसे कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स, और वो रिफ्रेशर कोर्स भी क्या है, एक्सेप्ट. नाउ अब देखो मैंने येलो से लिखा है तो इट मींस कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा. लीव ट्रैवल कंसेशन, जब मैंने एग्जेम्प्टेड पढ़ाया था ना, एग्जेम्प्टेड इनकम याद है, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि ये एलटीसी क्या होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट. आप एज्यूम करें कि आपने एलटीसी पकड़ा, ये दिया होगा एलटीसी पकड़ा आपने 50,000, और क्वेश्चन कह रहा है आपका जो खर्चा हुआ दैट इज एक्सपेंडिचर वो हो गया 40,000, और ये 10,000 आपका टैक्सेबल है. तो इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट कहो, क्योंकि ये बहुत बार आप यहां पे क्वेश्चन में आएगा. एलटीसी जितना अमाउंट दिया होगा, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में दिया है खर्चा, क्या दिया है खर्चा, इज इट क्लियर, तो वो खर्चा क्या है बेटा, वो खर्चा है एग्जेम्प्ट, बाकी जो बचेगा दैट इज टैक्स, याद रखना बेटा. ठीक है, ओके, एलटीसी का ये पॉइंट है. नाउ नेक्स्ट वन, फ्री राशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स. अगर सिंपल वहां से ही दिया है, अगर राशन देते हैं हम किन्हें, आर्म्ड फोर्स को, दैट इज एग्जेम्प्ट. ऑल परक्विजिट्स अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज पोस्टेड अब्रॉड. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कोई फैसिलिटी दी जाती है फॉरेन में, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट. फ्री मील्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉइज एट रिमोट. हमने मील्स कहे,
खाना, ठीक है, मगर रिमोट प्लेस में, मीन्स बहुत दूर पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों का मतलब जहां पे ना इजीली कोई होटल ना मिले, ठीक, तो इसीलिए फ्री मील्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज एट रिमोट प्लेस या ऑफशोर प्लेस, ये भी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। इसके बाद फ्री लंच फैसिलिटी एग्जेम्प्ट अप टू 50 पर डे। अब ये लिमिट देखनी होगी, तब तक आप याद रखें यही है कि लंच फैसिलिटी कितनी एग्जेम्प्ट है, 50 रुपीज पर डे। सर 50 रुपीज पर डे का मतलब सपोज कि आपको लंच के लिए ये पैसा दे रहे हैं 200 रुपए का लंच, ठीक है, तो याद रखे 200 में से 50 आप काटिए, 150 रुपए टैक्सेबल होगा। फ्री लंच फैसिलिटी, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में लंच देते हैं 100 रुपए का, मतलब आपको पैसा नहीं देना होता है, मतलब उसका वैल्यू अगर हम करेंगे उसका वैल्यू है 100 रुपए, ठीक, या किसी कंपनी में 200 रुपए, ठीक। अब वो 200 रुपए उस थाली का प्राइस है, ठीक, उस थाली का क्या है, वो 200 रुपए प्राइस। अगर वो 200 रुपए प्राइस है, उस 200 में से आपने माइनस क्या करना है, 50, क्योंकि 50 रुपए तक वो एग्जेम्प्ट है, जो बाकी बचता है वो टैक्सेबल है। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, ये पॉइंट दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन में ही, फिर आप देखेंगे। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर बोथ ऑफिशियल एंड, जैसे कि मैंने कहा था ना, लैपटॉप देते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। एक दो बार आप इसे नजर देंगे आपको हो जाएगा लर्न, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है 1, 2, 3, 4, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। फ्री रिफ्रेशमेंट फ्री रिक्रिएशन ज्यादातर आता है, LTC आता है, इज इट क्लियर, ओके। और कुछ चीजें, एनी एसेट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। अब ये लैपटॉप इसी को ही देते हैं, मतलब हमने दिया पहले लैपटॉप, इसे चलाओ बिजनेस के लिए, ठीक, अगर वो एम्प्लॉई जाएगा उसे वो लैपटॉप यहीं पे रखना होता है। अब ऐसा नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, एनी एसेट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई परमानेंटली, इसी को दिया मगर प्रोवाइडेड इट इज 10 ईयर ओल्ड, ये लैपटॉप 10 साल पुराना है, ये लैपटॉप 10 साल पुराना है, इट इज एक्सेप्ट, इट इज एग्जेम्प्ट। समझ आ रहा है, ओके। इंटरेस्ट फ्री लोन, इट्स इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा मैं। इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय 20,000 तक एग्जेम्प्ट है। सपोज कि लोन दिया किसने, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ठीक, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अगर ये बैंक से लोन लाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, और इससे कहा गया आप दीजिए 7% ओनली इंटरेस्ट, हम आपको लोन लेंगे 18,000, ठीक है, तो ये कंसेशन हुआ ना, 12% देना था मार्केट में, इसे कितने पे दिया गया, 7% पे। ये जो 7% है इसे कहते हैं कंसेशनल लोन, क्या है, और ये कंसेशनल लोन भी क्या है, एक्सेप्ट। ओके, नाउ द पॉइंट इज गुड्स सोल्ड और प्रोवाइड टू द एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट। अगर हम गुड्स बेचते कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो इसे हमने बेचे वो 40,000 में है, वो भी एग्जेम्प्ट है। लास्ट वन, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू द फॉलोइंग पीपल, दिस इज द पॉइंट, ये मुझे अलग पढ़ाना है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे मैंने HRA पढ़ाया ना, अब रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर यहीं से देता है अकोमोडेशन, पैसा नहीं देता, अगर पैसा देगा दैट्स कॉल्ड HRA, अगर मकान के लिए पैसा देगा उसे हम कहेंगे HRA, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है ये है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या है बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है कि हम इसे मकान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आ जाओ आप रहिए इसी में, ठीक, मगर वो एग्जेम्प्ट है किन लोगों के लिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, पॉइंट तो समझ आया होगा, दूसरा हाई कोर्ट जज के लिए बेटा एग्जेम्प्ट, यूनियन मिनिस्टर के लिए एग्जेम्प्ट, अपोजिशन लीडर ऑफ पार्लियामेंट एग्जेम्प्ट, एंड यूनियन, तो यूनियन मिनिस्टर तो आया, ठीक, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, यूनियन मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहले आप इन चीजों पर नजर डालें कि ये चीज है क्या, वीडियो को पॉज करें, ठीक, इस पर नजर डालें, फिर इसके बाद थोड़ा और हम पढ़ते हैं।
फिर से मैं तेज से थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ। सबसे पहले फ्री रिफ्रेशमेंट याद रखें, रिक्रीशन याद रखें, LTC याद रखेंगे आप, जरूरी और जरूरी है। और ये एक लिमिट है 50 पर डे, दैट इज एग्जेम्प्ट। और वो मेडिकल फैसिलिटी थी ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जेम्प्ट, अगर होगा एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एग्जेम्प्ट, अगर होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक, द सेकेंड टर्म इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है बेटा, और द एम्प्लॉयज, इसमें तीन पॉइंट्स है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज और दोज एम्प्लॉयज हु आर द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का क्या है? डायरेक्टर। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? क्योंकि हमें ना तीन पर्क्स, एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज एंड पर्क्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, जो आज का रूल है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉय होता है जो कि क्या है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी या और हु हैज परचेज्ड 20% शेयर्स ऑफ अ कंपनी। जिसने कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स खरीदे होंगे? 20%। कितने? ठीक है, दो चीजें मैंने कही। सबसे पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? वो एम्प्लॉय जो कि है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी या जिसने परचेज किए है 20% शेयर्स। क्या परचेज किए हैं? 20% शेयर्स। और इस 20% शेयर से इसे मिलता है सबस्टेंशियल इंटरेस्ट। सर ये क्या है? जस्ट सिंपल, आप याद रखिए, सबस्टेंशियल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, मतलब कि अगर ये 20% शेयर्स इसने खरीदे हैं कंपनी के, तो कंपनी में इसका काफी दबदबा है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है, हुज एनुअल सैलरी, हुज एनुअल सैलरी एक्सीड्स 50,000, जिसकी साल भर की सैलरी है 50,000 से ज्यादा। एवरी एम्प्लॉई स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, वो 50,000 से ज्यादा हर एक का होता है। अगर हम पियोन का देखेंगे ना, 5,000 रुपये अगर वो लेगा, 5,000 × 12 कितना हुआ? 60,000। ठीक है, तो जस्ट आपको याद रखने के लिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉई क्या होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई होता है वो जो कि हो डायरेक्टर या जिसने 20% शेयर्स खरीदे हो या जिसकी सैलरी क्या होगी 50,000 से ज्यादा साल भर में। ठीक, तो पहले आपने पढ़ा पर्क्स एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, उसके बाद आपने पढ़ा सिर्फ स्पेसिफाइड। ठीक, नाउ पॉइंट याद रखना, ये जो है ना, रुके, ऊपर आप बनाएंगे हेडिंग पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। हेडिंग क्या है? पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जो हर एक के लिए क्या है, टैक्सेबल। सबसे पहला, ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, कर्जा है एम्प्लॉय का दिया एम्प्लॉयर ने। फिर से समझिए, कर्जा किसका है? एम्प्लॉय का कर्जा है दिया एम्प्लॉयर ने। जैसे ऐसे लिखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय, इसका LIC, उसके पैसे किसने दिए? एम्प्लॉयर ने। दैट इज टैक्सेबल, दैट इज टैक्सेबल। हॉस्टल होटल बिल ऑफ एम्प्लॉय, मुलाजिम की होटल बिल दी किसने? एम्प्लॉयर ने। दैट इज टैक्सेबल। ठीक, बिल्स ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय एम्प्लॉयर, इसके घर में गैस का बिल आया था, पानी का बिल आया था, बिजली का बिल आया था, दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। दैट इज टैक्सेबल। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल फाइंड इन एवरी क्वेश्चन, ये पॉइंट होगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्स ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय एम्प्लॉयर। नाउ गार्डनर सर्वेंट एंड स्वीपर एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय, मुलाजिम के घर पे ये है, गार्डनर है, सर्वेंट है, स्वीपर है, उनके पैसे किसने दिए? एम्प्लॉयर ने। वो भी क्या है? टैक्सेबल। क्या है? टैक्सेबल।
इज इट क्लियर? या देर वॉज वन मोर पॉइंट, वो कहाँ था? चलो मैं खुद लिखता हूं वो, क्लब बिल्स। क्लब बिल्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, देखिए मुलाजिम जाता है क्लब, ये क्लब जो आउटसाइड कश्मीर के लोग होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, वो शाम को जाते हैं क्लब्स और वहां पे उन्हें कुछ बिल आती है, ठीक। और वही बिल अगर भी एम्प्लॉयर ने, वो बिल भी है टैक्स। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप कि अगर मुलाजिम का कर्जा, मुलाजिम का खर्चा दिया किसने? एम्प्लॉयर ने, तो वो क्या है बेटा? टैक्सेबल। क्या है बेटा? एग्जाम्पल थोड़ा बहुत आप रिवाइज करेंगे कि आपने पढ़ा क्या। तो अगर अगर मैं आपको याद रखूं ना, मतलब कि याद क्या रखना है आपने पर्क्स में? पर्क्स में आपने सिर्फ याद रखना है, सबसे पहले पहले आप याद रखेंगे मेडिकल फैसिलिटी। ज्यादातर क्या रखेंगे याद? मेडिकल फैसिलिटी। अच्छा, फ्री रिफ्रेशमेंट, फ्री रेक्रिएशन हो गया इस वक्त ज्यादातर। एलटीसी पॉइंट याद आए, ठीक। और इसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। हाँ, एक भी है और वो है कंसेशनल लोन, वो आगे जाके लगेगा आपको जरूरत। बस इतना ही मैं आपको दिखा था, लेकिन मैंने रूल आपको सारा पढ़ाया। अब ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स आएंगे। मेडिकल फैसिलिटी, इसका रूल आपको पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, सिर्फ ये है टैक्सेबल, ये है एग्जेम्प्ट और ये है एग्जेम्प्ट। सिंपल, ठीक। फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट, फ्री रिक्रिएशन एग्जेम्प्ट। यहाँ पे एक्चुअल खर्चा जो होगा वो एग्जेम्प्ट, बाकी जो बचेगा दैट इज टैक्सेबल। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, मुलाजिम का कर्जा दिया किसने? एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल। दिस इज एग्जेम्प्ट अप टू 20,000। इज इट क्लियर? यहां तक ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इन पॉइंट्स की वजह से अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? कॉपी है। ओके, यहां तक थे आपके रूल्स। अब हम इन रूल्स को सम अप करेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है? तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले बेसिक पे 20,000 पर मंथ, स्पेशल कमीशन 5% ऑन सेल्स मेड बाय हिमसेल्फ दैट इज 10 लाख। इसके बाद डीए बताया गया है 5,000 पर मंथ। अगर कहा गया है 5,000 पर मंथ, इज इट मर्ज्ड और अनमर्ज्ड? क्या है ये? सो अगर नहीं कहा गया होता है, वो होता है अनमर्ज्ड। मैंने ये पॉइंट आपको कल ही बताया था। बोन्स इक्वल 2 मंथ सैलरी, ये तो पता है आपको। नाउ द पॉइंट इज, ड्यूरिंग द ईयर हिज वाइफ गॉट सिक, इसकी बीवी बीमार हो गई, ठीक, एंड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटेड टू 40,000। इसकी बीवी बीमार हो गई और खर्चा हो गया 40,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो खर्चा किसने दिया? एम्प्लॉयर ने। मैंने कहा था ना, मेडिकल एक्सपेंस अगर एम्प्लॉयर देगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एग्जेम्प्ट अपने हॉस्पिटल में, एग्जेम्प्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में, इट इज टैक्सेबल। इसमें पहले लिमिट थी, अब ये टैक्सेबल रखा है, ठीक है? ओके, ही ऑल्सो गॉट द फैसिलिटी ऑफ फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट, फ्री रिक्रिएशन एग्जेम्प्ट, और एलटीसी कितना पकड़ा है इसने? 1 लाख, और खर्चा कितना किया है? 60,000। 1 लाख माइनस 60, 40,000। इज इट क्लियर? नाउ हिज क्लब बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अब भी कहा था ना मैंने, अगर इसकी क्लब बिल्स एम्प्लॉयर देगा, बेटा वो क्या है याद रखना? दैट इज टैक्सेबल। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर, दैट इज टैक्सेबल। ओके, लंच फैसिलिटी 200 पर डे फॉर 300 डेज, जो लंच फैसिलिटी थी ना, लंच फैसिलिटी थी ना, एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 50 पर डे। अब यहाँ पे हम कितना पकड़ रहे हैं? 200 पर डे, तो 150 रुपए इज टैक्स। इज इट क्लियर? ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ सैलरी टूवर्ड्स आरपीएफ।
इसने कंट्रीब्यूट किया 15%, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ एग्जेम्प्ट, लेकिन इसके एम्प्लॉयर ने सारा वही कंट्रीब्यूशन किया, मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 15%। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 15%, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ इट्स एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। इसने कंट्रीब्यूट कितना किया है? 15% ऑफ सैलरी। नाउ इंटरेस्ट क्रेडिट टुवर्ड्स आरपीएफ 13% कितना है? 13,000। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है टुवर्ड्स आरपीएफ, उसका रूल क्या है? सर इट्स एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। तो गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस परसेंटेज। नाउ चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पे है, यहां पे लिखूंगा मैं हाउ मच इट इज 20,000 इंटू 12, दैट्स इक्वल 2,40,000। नाउ स्पेशल कमीशन है, फाइव परसेंट ऑन 10,50,000। अब बता दीजिए मुझे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये पॉइंट आपका बनेगा, ये आपका पॉइंट बनता है सैलरी, जो कि पहले ही दिन मैंने आपसे कहा था। तो क्या बना ये पॉइंट आपका? सैलरी। सर इसमें ऐड करते थे ना डीए मर्ज्ड, अगर होता तो लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट डन, ये पॉइंट डन। नाउ डीए क्या है बेटा? 5,000 पर मंथ। ये कौन सा डीए है बेटा? ये डीए अनमर्ज्ड, सो डीए अनमर्ज्ड कितना है? 5,000 इंटू 12, दैट इज 60,000। सर आपको पता कैसे चला कि ये अनमर्ज्ड है? मैंने आपको रूल कहा था कि अगर डीए के बारे में कुछ नहीं कहा है कि ये मर्ज्ड है कि अनमर्ज्ड, तो वो क्या होता है बेटा? अनमर्ज्ड। ठीक। अब नाउ देयर इज बोनस इक्वल टू मंथ सैलरी, तो यहां पे लिखेंगे टू मंथ सैलरी का मतलब 2,90,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। यहां पे कैलकुलेटर उठाते हैं, 2,90,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, दैट्स इक्वल 48,333। तो ये आपका आया। ठीक। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हिज वाइफ गॉट सिक। ठीक। अब इसकी वाइफ बीमार होगी और खर्चा कहाँ पे होगी? खर्चा हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आप यहां पे लिखेंगे आज का पॉइंट जो है, जो आज के पॉइंट्स है ना, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी कितना? 40,000। यहां पे लिखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है बेटा? एक टैक्सेबल। अगर यही खर्चा होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहां पे था एग्जेम्प्ट। ठीक। अब ही ऑल्सो गॉट द फैसिलिटी ऑफ फ्री रिफ्रेशमेंट एंड फ्री रिक्रिएशन। बेटा मुझे बताइए, फ्री रिफ्रेशमेंट क्या है? एग्जेम्प्ट। फ्री रिक्रिएशन क्या है? एग्जेम्प्ट। यहां पे लिखेंगे फुटनोट्स में, फ्री रिफ्रेशमेंट, फ्री रिक्रिएशन, एग्जेम्प्ट पर्क्स। बस सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना। ओके, यहां तक डन। अब एलटीसी कितना पकड़ा है इसने? एलटीसी पकड़ा है 1,00,000। खर्चा कितना हुआ है? 60,000। मैंने कहा था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एलटीसी 1,00,000 पकड़ा है और खर्चा कितना हुआ है? 60,000।
1 lakh माइनस 60,000 दैट इज 40,000, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। अब ये भी हो गया, नाउ देयर इज हिज क्लब बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर, क्लब बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, हाउ मच इट इज 5,000, इट इज एग्जांपल। नाउ दिस इज, नाउ देयर इज लंच फैसिलिटी, बेटा अब हम ऐसे लिखेंगे लंच फैसिलिटी, इन एक्सेस ऑफ 50 पर डे। पगड़ा कितना हमने, हमने पगड़ा 200 में एग्जेम्प्ट कितना है बेटा, 50 रुपीज, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे 150 रुपए, मगर 150 हम पकड़ते हैं एक दिन का, टोटल कितने दिन है 300, 150 × 300, यहाँ पे आप देखिए लंच फैसिलिटी इसे मिलती है 200 रुपए की, कितने की 200 रुपए की एक दिन में, कितने दिनों के लिए 300 दिनों के लिए, इन अदर वर्ड्स 200 × 300, इज इट क्लियर, समझ आया। अब उसमें से एग्जेम्प्ट कितना है, सर एग्जेम्प्ट है 50 रुपीज, वो 50 मत एक दिन के लिए है, बराबर 300 दिनों के लिए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करोगे 200 × 300 वो होगा आपका 60,000, ठीक, एग्जेम्प्ट 50 × 300 दैट इज 15,000, वो कितना हो जाएगा आपका 45,000। अब मैंने डायरेक्ट लिखा आपको 150 × 300 45,000, और यहां भी लिखा लंच फैसिलिटी इन एक्सेस ऑफ 50 पर डे। अब ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इट्स अप टू यू, ठीक। लंच फैसिलिटी डन, ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट 15% ऑफ सैलरी टुवर्ड्स आरपीएफ, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन towards RPF, अगर मुलाजिम कंट्रीब्यूट करे दैट इज एग्जेम्प्ट, मुलाजिम कंट्रीब्यूट करे दैट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन इसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, सी इज इट क्लियर। तो मुझे बताइए इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना करता है, सर 15% ऑफ सैलरी, एग्जेम्प्ट कितना है 12%, तो ज्यादा कितना है 3%, एंड वो 3% है टैक्सेबल। हम ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% से ज्यादा, सर 12% से ज्यादा तो आता है आपको 15 - 12 दैट इज 3% ऑफ 2,90,000। सर ये पॉइंट कैसे आपने किया मैं दिखाता हूं आपको, सो 2,90,000 × 3 / 100 दैट्स इक्वल 8,700। अब दो तरीके हैं करने के, पहले आप निकाले बेटा 15% ऑफ सैलरी जितना है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, 15% ऑफ सैलरी निकालेंगे, उसमें करेंगे 12% ऑफ सैलरी माइनस, वो वही आएगा 3% ऑफ सैलरी। चलो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं ऐसे करूं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन That is 15% of 2,90,000. अब exempt जो है वो है 12%, जो कि आपको मैंने कहा। अगर आप चेक करेंगे ये आपका ऐसे है, so 2,90,000 × 15 / 100 that is
4,350. अब 2,90,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, दैट्स इक्वल टू 3,480. दिस माइनस दिस कितना आ रहा है? 8,700. और हमें क्या आया डायरेक्ट? 8,700. चाहे ऐसे करें आप, 15% ऑफ सैलरी ले, लेस करें 12% ऑफ सैलरी, आएगा 8,700. या डायरेक्ट करें 12% से ज्यादा कितना है सर? 3% ऑफ सैलरी. तो 3% ऑफ सैलरी हमने लिया 8,700. अब वैसे करें या ऐसे करें, इट्स अप टू यू. ठीक, लेकिन ये इजी रहेगा आपके लिए. ओके, यहां तक ठीक. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ, ठीक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टुवर्ड्स आरपीएफ. मैंने आपको कहा था इसमें इजी, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन परसेंटेज इनटू एक्सेस परसेंटेज. व्हाट इज द गिवन अमाउंट? 13,000. व्हाट इज द गिवन परसेंटेज? 13 इनटू 9.5 से ज्यादा कितना है? 3.5. दिस इज 3,500. यहां तक समझ आया? ओके, ये क्वेश्चन आपका डन. यहां पे हम इसका टोटल करेंगे, उसे हम लिखते हैं ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी पहले टोटल हम कर लेते हैं. और आज और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं. 290 प्लस 60, दैट इज 3,50,000 प्लस 4,833 प्लस 85 प्लस 45,000 प्लस 8,700 प्लस 3,500, दैट्स इक्वल टू 5,40,533. ये आपकी आई ग्रॉस सैलरी. लेकिन आज मैं आपको और एक पॉइंट बताऊंगा. एंड पे हम करते हैं लेस. स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन, क्योंकि दो और करना है, फिर सबसेक्शन वहीं पे बताएंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस करते हैं सर, कितनी? 50,000 आप माइनस करते हैं. हर एक क्वेश्चन में आपने 50,000 माइनस करना है. दिस इज व्हाट यू कॉल स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में कितनी माइनस होती है बेटा? 50,000. इस बात का ख्याल आप रखें, ठीक है? तो ये आप माइनस करेंगे, ये आपका आता है 4,90,533. दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी. यहां तक था ये क्वेश्चन आपका. आई होप आपको समझ आया कि ज्यादातर आपने किस में स्ट्रेस आपको देना है, ठीक है? अब जाते जाते मैं आपको एक चीज फिर से थोड़ा रिवाइज करता हूं. सबसे पहले आपका था मेडिकल फैसिलिटी, इसमें तीन पॉइंट्स थे, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और था प्राइवेट हॉस्पिटल. सिर्फ था ये टैक्सेबल, ये याद रखना. और रिफ्रेशमेंट रिक्रीशन, ये याद रखना जरूर और जरूर. इज इट क्लियर? फ्री रिफ्रेशमेंट एक्सेम्प्ट, फ्री रिक्रीशन एक्सेम्प्ट, ठीक है? और लंच फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी, इज इट क्लियर? हाँ, अगर ये रूल थोड़ा चेंज हुआ होगा मैं चेक करूंगा, ठीक, क्योंकि अभी तक मेरे पास बुक नहीं पहुंची है. जो नए रूल्स, अगर 50 पर डे है, अगर 100 पर डे होगा तो 100 करेंगे, ठीक. अब लंच फैसिलिटी इस वक्त आपने याद रखा है 50 पर डे एग्जेम्प्ट है. और यहां तक एलटीसी जितना खर्चा है दैट इज एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल है. यहां तक ठीक है. और ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर, जो कि हर एक क्वेश्चन में आएंगे. नाउ बेटा, अब आप सिर्फ दो रूल्स दूर है,
मतलब सैलरी के रूल्स कंप्लीट करने में, जिसके जरिए आप कर सकते हैं अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस इन योर बुक, ठीक है, जो कि हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आया है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट ड्रॉप ए कॉमेंट या मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर आपके स्क्रीन पे आया होगा, दैट इज 9622701070। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह।